नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ सोशल मीडिया की एक सनसनी है। सोशल मीडिया की सनसनी कैसे? इंस्टाग्राम आप बहुत देखते होंगे और इंस्टाग्राम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जो युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारा यूथ है जिनका नाम आज बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। एक ऐसी सेलिब्रिटी ने मिलवाया था, अभी मेरे साथ में एक आयुष झा। आयुष के काफ़ी सारे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, तो सबसे पहले आयुष स्वागत करते हैं खबर 24 एक्सप्रेस। धन्यवाद भैया। आयुष, आप सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? मतलब ऐसा क्या आपने किया है कि जिससे सोशल मीडिया पर आपके जो वीडियोस हैं बहुत वायरल हो रहे हैं? वजह ऊपर वाले की आशीर्वाद है, बहुत ज्यादा उन्हीं कृपा से यहाँ तक पहुँच पाए हैं और भगवान पे बहुत विश्वास भी है, तो उस वजह से ही है। और मेहनत है, अपना मेहनत है, बिल्कुल मेहनत के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। आयुष, आप रहने वाले कहाँ के पहले तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और किस नाम से आपका इंस्टाग्राम है, जो हमारे अगर दर्शक इंटरव्यू आपका देखें तो ताकि पता लग सके कि आप कहाँ से हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। मैं बिहार से हूँ प्रॉपर, और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है रुद्रा ऑफिशियल 26। हाँ बिल्कुल। और आयुष झा भी सर्च मारोगे तो वो आप फर्स्ट पे आ जाएगा। अच्छा, आयुष झा के नाम से भी आपकी वीडियोज आ जाएंगी, बहुत बढ़िया। तो बिहार में कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में प्रॉपर में अररिया डिस्ट्रिक्ट एक है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, बहुत बड़ा है अररिया, छोटा नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा है। मतलब हाँ, कटिहार का नाम बहुत आदमी जानते होंगे, बहुत आदमी अररिया का नाम नहीं जानते। तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में फारबिसगंज एक सिटी है, वहीं से हूँ मैं। अच्छा, वो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास। तो यहाँ ग्रेटर नोएडा में कैसे आना हुआ? मैं पहले रहता चंडीगढ़ में रहता था, वहाँ मैंने VFX का कोर्स किया हुआ हूँ। अब मुझे इस लाइन में पहले से इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा कि मैं इस लाइन में काम करूँ। मैंने 12th के बाद पढ़ाई बंद कर दी अपनी और इस पे फोकस कर लिया। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग से कैमरे से, मतलब 10th के बाद से मुझे कैमरे का, मतलब फोटो क्लिक करवाने बहुत शौक चढ़ गया था। बिल्कुल। तो पहले फोटो का था, जब मैं चंडीगढ़ सीट हुआ वहाँ वीडियो क्रिएट चढ़ गया। अच्छा। और वीडियो क्रिएट चढ़ा मैं, फिर वहाँ कोर्स भी करता था, तो बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे, बहुत लोगों से, क्योंकि हर तरह के लोग मिले वहाँ पे। बिल्कुल। तो सीखते चला किसी तरह, मुझे बाद में मुझे लगा कि मैं भी काम करूँ। पहले मैं पंजाबी गाने पे करने का बहुत शौक था, वीडियो वगैरह करता भी था दूसरी आईडी पे। तो धीरे धीरे मैंने पूजा पाठ चालू कर दिया, जो हकीकत बात है, खुद हुआ। तो उससे एक साल मैंने पूजा पाठ किया, तो मैं नॉर्मल वीडियो वगैरह बनाता था ऐसे ही टाइम पास के लिए। फिर वो फेमस होनी शुरू हो गए? वो नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने दूसरी आईडी बनाई, वो मेरी पुरानी आईडी अभी भी है, वो 4-5 साल पहले की है। दूसरी आईडी बनाई, उस पर मैंने एक दो वीडियो डाला, इसमें से एक वीडियो पे 300-400 लाइक आए। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ कि 300-400 लाइक आए हैं। पहले उतने आते भी नहीं, पहले उतने आते भी नहीं, 50-60-100 बहुत हो गया मैक्सिमम। तो मैं भी खुश हुआ। फिर मैंने एक वीडियो डाली, उस पर 6,000 लाइक आ गए एक दिन में। तो मेरा और मोटिवेट हो गया अंदर से, नहीं करना चाहिए, तो मैंने करते चला गया। वो मेरा 1 महीने में 1.5 लाख फॉलोवर्स हो गया। अच्छा। हाँ, एक वीडियो में रातों रात वायरल हो गया, उस पर 9 लाख लाइक आ गए, तो फॉलोवर्स 1 महीने में 1.5 लाख हो गए। फिर अभी कितने फॉलोवर्स आपके? अभी तो 6,53,000 है। 6,53,000, बहुत बढ़िया। हाँ। क्या बात है, 6,53,000 फॉलोवर्स। हाँ। आप देखिए कि मतलब लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने, जो आयुष हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी वीडियोज बनाई, ऐसे ऐसे कंटेंट बनाए कि मतलब लोगों ने उसको देखना पसंद किया, बहुत अच्छा पसंद, मतलब काफी पसंद, बहुत प्यार मिला लोगों का, बहुत। मैं बता दूं, मैं इसे, मेरा जो पहला है जिसे मैंने बताया था 1.5 लाख फॉलोवर थे, वो आईडी मेरा डीएक्टिवेट हो गया। वो रामनवमी थी, उसके 3 दिन पहले 25 तारीख को मैं वीडियोज बना रहा था, वीडियो बना, फोन मेरा गिर गया, टूट गया, तो फोन नीचे टूट गया, तो मैं नया फोन लेने खरीद के ले गया शाम में। अब मैंने आईडी खोला तो मेरा आईडी जा चुका था। नहीं तो ऐसे कैसे, वो कुछ भी पता नहीं चला। इंस्टाग्राम एक नोटिफिकेशन पॉपअप आया स्क्रीन पे कि आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई कुछ दिनों के लिए, आपने कुछ कंटेंट पोस्ट किया। मेरा कंटेंट तो भगवान के ऊपर ही था, मैंने कुछ से पोस्ट नहीं किया, सारे रिपोर्ट हो गई होंगी उस पर, कुछ पता नहीं। 2 महीना मैं बहुत डिप्रेस रहा। अच्छा। बहुत हकीकत बात है, मैं रोया भी।
जनरली दुख हो जाता है बंदा, वहाँ एक शौक था वो पूरा हुआ था, फिर वो सपना भी टूट गया। तो फिर 2 महीना मैंने कुछ भी वीडियो नहीं, घर वाले बहुत किए कि नहीं बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने फिर नया एक आईडी बनाया जीरो से, फिर वहां से स्टार्ट किया। 1 महीने तो वीडियो नहीं चली, मैं बिल्कुल डिमोटिवेट था कि भगवान को बहुत की नहीं चल रही है। तो मैंने उससे कंटेंट भी अपना चेंज कर दिया, उस वीडियो से कंटेंट भी अपना चेंज कर दिया, थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर दिया। एक वीडियो रात वायरल हो गई, आज है मंगलवार करके, उस पे 38 लाख लाइक आ गए। क्या बात है, 38 लाख लाइक। हाँ, व्यूज कितने थे? व्यूज उस पे 38 मिलियन के आसपास, मतलब 38 मिलियन व्यूज। क्या बात है, 3 बहुत व्यूज था उस पे इतना। वो मेरा 10 दिन में 2 लाख फॉलोवर्स हो गए 200 से। ओके, 1 महीने तक 200 रहे और एक ही 10 दिन के अंदर 2 लाख पहुंच गए। 2 लाख फॉलोवर्स, मतलब इतना इतना खुश था मैं, भगवान का बहुत शुक्रिया है उस चीज, और विश्वास मेरा बढ़ गया उनके प्रति, और हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम अब हमेशा रहेगा, उन कितना भी कष्ट दिया विश्वास नहीं टूटने वाला। तो आप तन्वी के साथ ही मतलब वीडियो बना रहे हैं? हाँ, उनके साथ कांटेक्ट हुआ था, पहले आईडी से ही कांटेक्ट था, तो फिर आईडी चला उनसे, उस टाइम उतनी बात नहीं होती थी, तो इस आईडी पे उन्होंने फिर से फॉलो किया, इनसे बात हुई तो अच्छा बॉन्ड बन गया, तो सोचा साथ में बनाते हैं वीडियो, इनका कंटेंट सेम था, मेरा भी सेम था, आप दोनों का काफी सेम कंटेंट। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा साथ में करते हैं कुछ। तो अभी जो मतलब खाली कंटेंट इसी तरीके का सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना है, कुछ आगे और भी करने का प्लानिंग? आगे बहुत कुछ, मेरा इसी प्रोडक्शन खोलने का बहुत मन है, जो तो मेरा एक्टिंग करने का भी शौक है मतलब? हाँ, बहुत खुद का काम करने का शौक है, किसी का अंडर काम करने का शौक नहीं है। अच्छा, वही मैंने मतलब है कि वो खुद का काम नहीं करेंगे? मैंने जॉब वगैरह बिल्कुल ट्राई नहीं किया, करना खुद का करना है, छोटा सा ही करूँ। नहीं, अगर एक्टिंग का ऑफर कहीं से मिलता है किसी, वो अलग बात है, ऑफर आएगा तो क्यों नहीं करेंगे, एक्टिंग ऑफर आएगा जरूर करेंगे। अभी तो जैसे आपकी जो सोशल मीडिया में पब्लिसिटी है काफ़ी हो रही है, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, कब पसंद कर रहे हैं, सपोज किसी डायरेक्टर ने आपको कॉल किया कि हमारी एक मूवी है इसमें काम करना, तो फिर क्या मतलब आप काम करेंगे? हाँ, उसमें काम करेंगे। हाँ, शौक है एक्टिंग का? शौक है एक्टिंग, बहुत बचपन से है, बचपन से शौक है। इसके अलावा अभी कुछ आपने हरियाणवी गानों पर भी कुछ परफॉर्म किया है, इसके अलावा कुछ पंजाबी गाने हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। परफॉर्म तो हर गाने पे किया, लेकिन जो इस कंटेंट में मजा आया करने में, वो किसी में मजा नहीं आया, किसी में मजा नहीं आया। हाँ, हकीकत बात है, इसमें एक अंदर से फील आता है, बूस्टअप मिलता है अपने आप को, और शरीर में एक एनर्जी आता है भगवान के गाने करने की, तो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। आपने देखिए हुलिया भी वैसे ही बनाया हुआ, भगवा पूरा पहना मेरा पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे हर वीडियो में आप देख सकते हो भगवान ही पहना है, मैंने और कोई कपड़ा नहीं लिया, और मेरे हर वीडियो में तिलक लगा, मैं बाहर भी जाता हूँ तिलक लगा जाता, नहीं बस दिखावा करता हूँ या वीडियो में भगवा या ढोंग करता हूँ, कुछ नहीं, जो मैं रियल लाइफ है, मैं रियल लाइफ ऐसा है, मैं पहले से टीका लगाते आ रहा हूँ, जब मैं वीडियो पे नहीं आया था उसी टाइम से लगाते आ रहा हूँ, और मैं लगाता रहा। क्या बात है, नहीं तो टीका लगाना अच्छी बात है। हाँ, नहीं होता है कि वीडियो के लिए बस अपना पहनते, वो नहीं है मेरा, जो रियल है, कपड़े तो नहीं पहनता मैं, जब बात हकीकत बात है, लेकिन टीका मैं लगा, टीका लगा के। तो ये कपड़े खाली वीडियो में पहनते हैं? हाँ, ये वीडियो के लिए, बस वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो भी मैं ऐसे कपड़े में नहीं बनाता जिसमें खा पी रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, मतलब बस ये कपड़े वीडियो के लिए यूज होता है, बाद में ना कोई पहनना, ना कोई खाना, नहीं या वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, इनका मैं अलग रखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये नहीं तो बाहर जैसे जाना हो तो मतलब इस तरीके के कपड़े पहनते हैं बाहर में, या फिर नहीं? बाहर तो ऐसे पहन के नहीं जाते, बाहर नॉर्मल जो नहीं, लेकिन आपकी पहचान जो बन गई है वीडियो में, पहचान है मतलब लोग पहचानते हैं आपको बाहर में, आप नॉर्मल रूप में जो बात है, नॉर्मल रूप नहीं पहचानते हैं, बोलते भैया आपको देखा हुआ है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं आपके ड्रेसअप, उन्होंने कुछ कोई बात, बाद में वो जब आपको सर्च करते हो, सर्च करते तब पहचान। चलिए देखिए, पहचान जो होती है कपड़ों से भी पहचान हो जाती है, तो आयुष की जो पहचान है कपड़े और जो उनका ड्रेसअप है, उनका जो मेकअप है, उसी से पहचान बन गई, भगवा गले में द्राक्ष की माला और माथे पे टीका, ये पहचान बहुत ज़रूरी है जो इन्होंने आयुष ने बनाई है अपनी पहचान, बहुत अच्छी बात है आयुष। और इसके अलावा आयुष, हम जो मतलब बात करने जा रहे हैं अभी, सोशल मीडिया जो है ना जी, एक और खासकर इंस्टाग्राम, ठीक है, वो एक गंदगी का अड्डा बनता जा रहा है, आप मतलब कंटेंट, लोग लड़कियां हैं लड़के हैं इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं जिससे कि मतलब जो यूथ है, यूथ को पसंद आए, लेकिन आपकी भी जो वीडियो देख रहा है वो भी यूथ देख रहा है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे करके वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी वीडियो आ जाती है कि फैमिली के साथ में बिल्कुल देख नहीं सकते उसको, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कंटेंट जो बनाने वाले हैं, बेसिकली उसको कंटेंट नहीं कहेंगे, घटियापंथी कहेंगे? पहली बात, मेरे वीडियो 18 से 24 साल तक लड़के ही देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा 85% है,
तो मैं ये बोलना चाहूँगा कंटेंट किस तरह का बना सकते हैं, लेकिन अपना धर्म को कभी भी भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम उसी में बहुत सुंदर लग सकते हैं। नहीं ठीक है, धर्म संस्कृति के ऊपर ना बनाएं, लेकिन कंटेंट की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाने वाले हैं, मतलब जो अच्छा कंटेंट लिखते भी हैं, अच्छा कंटेंट बनाते भी हैं, ठीक है। बहुत सारे डांस की वीडियो हैं जो बहुत अच्छा बहुत सुंदर डांस करते हैं, कथक करते हैं, या बहुत सारे तबला वादक हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फेमस हो सकते हैं। तो कपड़े उतार के या फिर गंदी गालियां देके या गंदे कंटेंट बना के ही थोड़े ना फेमस हुआ जाता है। देखिए वो कंटेंट क्रिएटर, हर कंटेंट क्रिएटर अपना अपना सोच होता है, तो ऐसी सोच को चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो उन पे डिपेंड करता जो बना रहे हैं इस प्रकार, उनको एहसास होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। बहुत लोग फेमस, आज हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं, बता दो मैं 3 महीने में यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मुझे 2 साल 1 साल नहीं लगे, 3 महीने भगवान की कृपा से, 3 महीने में, 3 महीने क्योंकि आपका वो डिलीट हो गया था, डीएक्टिवेट वो दो, वो हटा के 2 महीने वो वहां तक पहुंचा था, फिर 3 महीने मुझे यहां तक सफर आने में लगा। मई से जोड़ लो आप, मतलब 3 महीने की मेहनत 6 लाख तक पहुंच गई जी। तो इसीलिए मैंने सब कुछ को अलग रखा, अपना सब कुछ अलग रखा, ऐसा मिलावट कुछ भी नहीं किया, मैं हमेशा धर्म वीडियो बनाता रहा, बनाता रहूंगा, इसी में मेरा मन भी लगता है। तो सबकी मेरी सोच है कि मैं इस प्रकार वीडियो बनाऊं, वो उनकी सोच है वो कैसे कर, कैसा वीडियो बनाता, हाँ। तो पब्लिक का, हाँ। पब्लिक प्रॉब्लम है कि पब्लिक उसको देख रही है और लाइक कर रही है, पब्लिक अगर वही उनको लाइक नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, सपोर्ट ना करे, तो आप देखोगे वो बेसिकली पब्लिक की गलती है, पब्लिक की गलती है। आप देखोगे जिसमें कपड़े उतर रहे उसमें मिलियन में लाइक रहते हैं, करोड़ों में व्यूज रहते हैं, क्यों? पब्लिक कर रही है ना सपोर्ट उनको, बिल्कुल सही बात है, तो पब्लिक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेन पब्लिक के हाथ में पूरा एक्सेस है, बिल्कुल, पब्लिक देखना छोड़ देगी, वो अपना बंद कर देंगे, वो जान रहे पब्लिक देख रही है हमको, हम बनाएंगे पब्लिक का, बिल्कुल ये तो सेम हो गया कि जैसे ओटीटी पे आजकल वीडियोस बन रही हैं, सेंसरशिप बिल्कुल भी नहीं, तो ओटीटी पे हर तरीके के मतलब वेब सीरीज आ रही है, बहुत गंदा गंदा कंटेंट ओटीटी पे आ रहा है, और ऐसा कंटेंट है जो फैमिली के साथ, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देख सकते, पहली बार पब्लिक की हाथ, पब्लिक क्या, मेरे पे ऐसा कोई वीडियो नहीं आता कि मैं बस भक्ति ही लाइक करता हूँ, नहीं भक्ति लाइक कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ऐसे अचानक कभी मन किया कि भाई स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अचानक से ऐसा जरूरी नहीं कि हमें भक्ति का देख रहे हैं, तो भक्ति के भक्ति मेरी दूसरी आईडी पे आती है, आती है एक्चुअली हम लोग मीडिया से हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं, अपना कंटेंट देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते रहते, लेकिन अचानक से कभी बाई चांस, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अपनी खुद की वीडियो नहीं डाल पाते हम, सही बात है, लेकिन अगर बाई चांस देख रहे हैं तो उसमें अपने आप ही इस तरीके स्क्रॉल करने पे आ जाता है, ये नहीं कि हम कभी कोई सर्च कर रहे हैं, स्क्रॉल जब आपने किया तो स्क्रॉल करते करते आपको भी आए होंगे ऐसे कंटेंट जिससे कि खुद शर्मा जाए हम जी। तो खैर आप बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद बहुत प्यार मिल रहा है, आप सोचोगे ना मेरा हर वीडियो बहुत खुशी भी होती है देख के, पहला ट्रेंडिंग पे आता है, मतलब अगर उस पर 60-70 हज़ार रील भी बनी हुई है तो मेरा पहला पे वो वीडियो आएगा, क्या बात है, तो बहुत प्यार पब्लिक का है, मतलब इसी से हम यहाँ तक जल्दी पहुँचे भी हैं। चलिए तो आयुष अभी आगे का जो फ्यूचर है, क्योंकि अभी आपको भी कहीं जाना है और हमें भी अभी जाना है फिलहाल, तो अभी हम अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं और ये भी एक आप हम अंतिम मैसेज भी दर्शकों के लिए लेंगे, अंतिम सवाल ये है कि अभी आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है, मतलब आपको खाली ऐसी तरीके की वीडियो बनानी है, कुछ और आगे भी करना है? फ्यूचर प्लानिंग तो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का है कि मतलब खुद से सब कुछ आगे इन फ्यूचर, गाना वगैरह खुद, टीम हो, मैनेजमेंट टीम, हाँ, उसके हेड होम और बाकी सारा काम खुद से करें, वो माइंड मेकअप है मेरा। तो यूट्यूब पे चैनल बनाने, हाँ यूट्यूब या कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह, मतलब वो माइंड मेकअप है, 3-4 सालों में वो भी होगा, ऊपर वाले बस सब चीज़ होगी बस समय लगता है कुछ अच्छी चीज़ों में। तो हमारे दर्शकों को इसके अलावा जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, वो चीज़ प्लीज हमारे दर्शकों, उनको यही बोलना चाहेंगे ऐसे ही प्यार कीजिए और जल्दी जल्दी 1 मिलियन टच करवाइए, बिल्कुल, और बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है, जुड़े रहिए हमसे और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा, कभी कमी नहीं होगा हमारे कॉन्टेंट में, और ना ही ऐसा कुछ दिखेगा आपको जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई ये क्या बना रहा है। तो हम लोग भी यही कहेंगे कि जो आयुष हैं और इसके अलावा तन्वी ठाकुर हैं, इन दोनों को आप फॉलो करें, पसंद करें, इनकी वीडियोस आप भी देखें, अगर आप कभी इनकी वीडियो नहीं देखी होंगी या हो सकता है कभी स्क्रॉल करते वक्त इनकी वीडियो भी नज़र आ गई हो, तो इनको फॉलो जरूर करना, इनको सपोर्ट करें आप लोग भी, और आपका जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो प्यार है, इसी चीज़ से ही आगे बढ़ेंगे, और जो ये चीज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है कि गंदगी नहीं फैला रहे, बहुत अच्छी चीज़ को लेके चल रहे हैं, अच्छा कॉज कर रहे हैं, तो आप लोग हिंदू धर्म को इतना बढ़ा रहे हैं तो इन लोगों को भी ज़रूर बढ़ाएं। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद, राम राम भाई सभी को।